ओके, अपना जो लेक्चर वो ड्रेनेज के ऊपर है, चूँकि वाटर मैनेजमेंट के कोर्स के हम एंड पे पहुँच रहे हैं, तो जो वाटर मैनेजमेंट का एंड वाला पार्ट है वो ड्रेनेज ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो लफ्ज़ है ना ड्रेनेज, ये जो है ना इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ इरिगेशन, ये इरिगेशन के उल्ट लफ्ज़ है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि ड्रेनेज क्या होता है, आपने बोलना है कि जी ड्रेनेज जो है इरिगेशन जो है वो क्या होता है। तो इरिगेशन जो बेसिकली होता है, उसको अगर मैं डिफाइन करूं, तो इरिगेशन जो है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। ठीक है ना, और ड्रेनेज जो है इट इज़ द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, कैसे बोल लो। ठीक है, ये क्या है, इरिगेशन क्या है, ये है एप्लीकेशन ऑफ वाटर, और ड्रेनेज क्या है, ये है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड या एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक, तो ये उसके उलट है। ठीक है, तो ड्रेनेज जो है, जो हम जिस ड्रेनेज से वाकिफ़ हैं, वो मेरा ख्याल है कि हम जो ज़्यादा ज़्यादा जिस ड्रेनेज से अभी तक हमें पता है ना, वो है डोमेस्टिक ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज बेसिकली दो तरह की होती है। ड्रेनेज जो है वो उसकी टाइप्स दो होती हैं, एक एग्रीकल्चर ड्रेनेज होती है। और दूसरा जिससे हम ज़्यादा वाकिफ़कार हैं वो कौन सी है, वो डोमेस्टिक ड्रेनेज, जो हमारे घरों से पानी जा रहा होता है। ये डोमेस्टिक ड्रेनेज कौन सी है, ये है रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक एरियाज। ठीक है, अच्छा, और जो एग्रीकल्चर ड्रेनेज है ये क्या है, एग्रीकल्चर ये है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, ये दोनों आपने थोड़ा ध्यान से डेफिनेशन पढ़ लिया आप लोगों ने ड्रेनेज की, क्या होती है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, अच्छा, अब ड्रेनेज दो तरह की होती है, एक एग्रीकल्चरल ड्रेनेज है और एक कौन सी है, डोमेस्टिक ड्रेनेज है, जिससे हम वाकिफ़कार हैं। हमारे घरों में ड्रेन्स बनी होती हैं, घर आस पास जिन्हें हम नालियाँ बोलते हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं, वो करती हैं रिमूव करती हैं ऑफ वेस्ट वाटर, वो वेस्ट वाटर को रिमूव करती हैं घरों में से। जब ड्रेनेज होनी है तो वो किसकी होनी है, वेस्ट वाटर की, वो पानी जो कि इस्तेमाल हो चुका हुआ है और गंदा है, वो क्या है, वो वेस्ट वाटर है। एग्रीकल्चरल ड्रेनेज क्या होती है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। ये वेस्ट वाटर नहीं बल्कि क्या है, क्योंकि जो फसलें हैं वो पानी इस्तेमाल नहीं करती, वो पानी जो है ना बेसिकली उसको बेसिकली यूज़ करती हैं। ठीक है ना, अब वैसे खैर यूज़ और इस्तेमाल जो है ना, ये दोनों एक ही लफ्ज़ में है, ठीक तरह कोई लफ्ज़ जो है ना वो नहीं ये सब निकाल पा रहा, लेकिन जो फसलें हैं वो पानी को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करती जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। उनका सोल पर हमारा जो है वो सिर्फ पानी पीना हमारा काम नहीं है इंसानों का, हमें नहाना भी होता है उनसे, हमें अपने घर धोने होते हैं, गाड़ियाँ धोनी होती हैं। ठीक है, फसलों का सिर्फ एक काम है और वो है पानी उन लोगों ने पीना है अपनी खुराक की जो है ना उसके बनाने के लिए, सिर्फ ये काम है उनका। ठीक है, तो जब इनकी बारी आएगी तो जितना पानी इन लोगों ने पी लिया वो तो ठीक है, इस्तेमाल कर लिया जितना क्रॉप्स ने, ठीक है, बाकी को आपने रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, जो पानी बच गया है, और जो चीज़ बच गई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वो एक्सेस है। तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, जो कि डोमेस्टिक है उसमें क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर, क्योंकि हम घरों में जो है हमारा पानी कभी भी एक्सेस नहीं होता। ठीक है ना, हम पानी जो है स्टोर करते हैं, तो वही पानी आता है घरों में जो हमने यूज़ कर ली कर करना होता है। जब यूज़ जो कर लिया, ठीक है, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, नहा लिया उससे, तो उसको अब जो है ना वो ड्रेन करना है, क्योंकि वो यूज़ हो चुका हुआ है, अब उसको अब दोबारा जो है वो यूज़ नहीं कर सकते।
तो ये बेसिकली जो है ये क्या है, ये डोमेस्टिक ड्रेनेज है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई 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 ऐसी इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको ये चार चीज़ें समझ में लग गई हैं ना आपकी, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, मैं अभी इसको जो है ना बयान किए जा रहा हूँ, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपकी ये जो बेसिकली पहले चार स्लाइड्स के अंदर बातें लिखी, चार तो नहीं है, बेसिकली स्लाइड नंबर 3 से असल काम शुरू होता है, ठीक है। ये जहाँ से बताते हैं कि एग्रीकल्चर ड्रेनेज क्या होती है, फिर अर्बन ड्रेनेज क्या होती है, अर्बन ड्रेनेज वो है जिसको मैंने डोमेस्टिक ड्रेनेज बोला हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर चीज़ें जो है ना वो लिखी हुई हैं, आपने इसको जो है पढ़ लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर ये जो है ना अर्बन ड्रेनेज, इसको मैंने यहाँ पर डोमेस्टिक बोला हुआ है, तो आप इसको जो है ना अर्बन भी कर सकते हो, ठीक। चाहे इसको अर्बन बोल दो, चाहे इसको डोमेस्टिक बोल दो, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक। ओके, अगला जो है बेसिकली जो मुझे बताना है आपको वो है कि इसके पर्पज़ क्या होते हैं ड्रेनेज के अंदर। अब हम जो बात करेंगे ना इस टाइम, वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एग्रीकल्चरल ड्रेनेज की, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है बेसिकली जो हमारा जो जो मेन पर्पज़ है वो रिलेटेड है किसके साथ, जो ड्रेनेज जो है ना वो एग्रीकल्चरल लैंड से होती है, क्योंकि हम वाटर के बारे में, वाटर मैनेजमेंट का जो कोर्स है दैट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो उसके बारे में हम जो भी पढ़ेंगे वो बेसिकली एग्रीकल्चर ड्रेनेज के अंदर ही आएगा, सही है। तो हमने सिर्फ इसके बारे में पढ़ना, तो एग्रीकल्चर ड्रेनेज मैंने पहले बोल चुका हुआ हूँ कि एग्रीकल्चरल ड्रेनेज जो है वो क्या है, रिमूवल ऑफ, आपने ऊपर पढ़ा हुआ है इसको, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताना आपको बहुत ज़रूरी है और मैं इसको ड्रॉ करके बताऊँगा आपको। देखो, अगर कोई बिल्फर्ज आपके पास कोई एग्रीकल्चर की फील्ड है ना, ये ठीक है, और उसमें आपके जो है ना वो पौधे लगे हुए, ये हमारे चार पौधे हैं, बिल्कुल एग्रीकल्चर की फील्ड है, इसको हमने पानी दिया, ठीक है। जब पानी देंगे तो मैं अगर उसका टॉप आपके सामने जो है ना उसका एक 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 एक, एक तरह से ये जो कि फील्ड का टॉप व्यू है, तो मैं अगर आपको उसका फ्रंट व्यू ड्रा करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये फील्ड है और इसमें ये चार पौधे लगे हुए, एक, दो, तीन और चार, ठीक। ये उसका टॉप व्यू था, ये क्या है उसका साइड से देख रहे हो आप खेत को जो है, अगर आप साइड से देख रहे हो तो फिर क्या, तो आपने इस खेत को दिया पानी, जब खेत को पानी दोगे तो ऑब्वियसली जो सीन बनेगा खेत के अंदर वो कुछ ऐसा होगा कि खेत के अंदर जो है ना वो पानी जो है वो खड़ा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या कि जब पानी आता है तो वो सिर्फ पानी ऊपर तो नहीं रहता ना, पानी तो नीचे भी चला जाता होता है खेत के, क्योंकि बेसिकली पानी तो इन्फिल्ट्रेट करेगा करेगा, ठीक है। तो इससे इन्फिल्ट्रेट करके पानी जो है नीचे चला गया। अब वो कहते हैं कि जो एक्सेस वाटर है ना वो सिर्फ सरफेस पे ही नहीं होता, एक्सेस वाटर सरफेस के नीचे भी होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको कि जी एक्सेस वाटर इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द सरफेस, ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सब सरफेस, ठीक। एक्सेस जो वाटर है वो बेसिकली जो है क्या है कि आपके जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरफेस पे ही नहीं होता बल्कि आपके सब सरफेस में भी होता है। देखो, पानी जारी बात है कि देखो जब खेत के ऊपर अपने पानी लगाना है ना, पानी ने सिर्फ खेत के ऊपर नहीं रहना, खेत के अंदर भी जाना है उस पानी ने, ठीक है ना। जारी बात है कि पानी इन्फिल्ट्रेट करता होता है, तो पानी जहाँ है वो ऊपर भी है और नीचे भी है खेत के। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक्सेस पानी यहीं पर हो, एक्सेस पानी जो है खेत के नीचे भी हो सकता है। मैं अभी आगे जाके मुझे इस बात को जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।
अभी पता लग जाएगा आपको आने वाले स्लाइड्स के अंदर। फिलहाल के लिए जो है अपने बात ये ध्यान में रखनी है कि पानी जो है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही ज़्यादा नहीं होता, सरफेस के नीचे भी हो सकता है पानी जो है वो ज़्यादा हो, सब सरफेस में पानी जो है वो ज़्यादा हो। तो आपने ड्रेनेज जो है वो यहाँ पर क्या होगी उसकी प्रॉपर डेफिनेशन फिर क्या बनेगी जो उसने यहाँ पर लिखी हुई है, कि रिमूवल ऑफ एक्सेस सरफेस एंड सब सरफेस वाटर फ्रॉम द लैंड। ठीक है, ये बेसिकली आगे भले मत लिखो कि जो है ना टू इन्हांस क्रॉप ग्रोथ इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल साल्ट, ये भले मत लिखो, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये यहीं तक जो है इसकी डेफिनेशन है। ये जो आगे बातें लिखी हुई है ना मैंने आगे जाकर बतानी है, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं ये वाली, ठीक है ना, ये आपको अभी समझ नहीं आएंगी तो इसको मैं आगे जाकर समझाऊंगा। आप अगर इतनी डेफिनेशन भी जो है ना लिख दोगे ना तो ये बेसिकली डेफिनेशन है किसकी, ड्रेनेज की, एग्रीकल्चर ड्रेनेज की, कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम सरफेस एंड सब सरफेस, ठीक, ऑफ द लैंड। तो बेसिकली वो जो है वो लैंड ड्रेनेज है। पर्पज़ क्या है अब इसके, अब पर्पज़ के अंदर मैं ये वाली बात आपको समझाऊंगा। ये वाली पर्पज़ एक तो ये है कि ज़ाहरी बात है कि अगर पानी ज़्यादा आ जाएगा ना तो वो जो है ना क्रॉप के लिए उसकी ग्रोथ के लिए जो है ना वो ठीक नहीं है। मैंने पहली बात क्या की है कि मैं लिखता रहता हूँ यहाँ पे एक्सेस वाटर इज डेंजरस फॉर क्रॉप ग्रोथ। पहले तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि जो एक्सेस वाटर है वो क्रॉप की ग्रोथ के लिए जो है बहुत नुकसानदेह, ठीक है। अच्छा, अब जहन में आता है कि भाई क्यों नुकसानदेह, अगर पानी है तो क्रॉप जो है मत भी है, वो खड़ा रहेगा, सूखता रहेगा, पानी खुद ही सूख जाएगा, एवेपोरेट कर जाएगा खुद ही, है ना। आती है ना जहन में बात कि जी अगर एक्सेस पानी है तो क्रॉप ना उसको इस्तेमाल करे, ठीक है, खुद ही जो है ना वो, ज़ाहिर बात है अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, अगर पानी जो है इन्फिल्ट्रेट हो रहा है साथ साथ पानी जो है वो क्या हो रहा है, एवेपोरेट भी तो हो रहा है ना हर टाइम एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्रॉप को जो है ना इतनी क्या हमें ज़रूरत है कि पानी को रिमूव करें, क्रॉप जो है पानी पिए ही ना तो क्या होगा कि वो पानी जो है ना वो उड़ जाएगा अपने आप थोड़ी देर से बाद और क्रॉप जो है वो ठीक रहेगी, कोई इस मसले वाली बात है, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि आपका जो लैंड का सरफेस है ना, शायद ये बात पहले भी हो चुकी हुई है, जो लैंड है ना आपकी, पानी सरफेस से सब सरफेस की तरफ क्यों मूव करता है, आपने इस चीज़ को समझा हुआ है पहले से। उसकी वजह ये है कि सब सरफेस पानी जो है वो ग्रेविटी की वजह से जो है ना सब सरफेस की तरफ मूव करता है। मैं इस बात को इसके मुतल्लिक बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको कि वाटर मूव, वाटर इन्फिल्ट्रेट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, कि पानी जो है सिर्फ और सिर्फ इन्फिल्ट्रेट करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मैं इधर पॉइंट भी लिखता जाऊँगा इसके बारे में, तो आपने ये ध्यान रखना कि जो मैं ये बातें लिख रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट समझाने के लिए, ठीक, कि पानी जो है वो इन्फिल्ट्रेट करता है किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, ग्रेविटी भी है, पानी ज़रूरी है कि हमेशा ग्रेविटी की जो है ना होने से इन्फिल्ट्रेट करे। कभी नोट करना कि आपके घर में अगर ईंटें लगी हुई हैं, चिप्स लगी हुई है, या कोई इस तरह का जैसे कोई आपका टेबल है वेलफर्स, या कोई स्टील की कोई सरफेस है, क्या पानी स्टील की सरफेस के ऊपर से भी इन्फिल्ट्रेट करता है, नहीं करता। क्या पानी प्लास्टिक के अंदर से भी इन्फिल्ट्रेट करता है, नहीं करता। क्या पानी ग्लास के अंदर से भी इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ लैंड से जो है ना वो इन्फिल्ट्रेट करता है। अब सिर्फ जो सॉयल है पानी फिर उसके अंदर से ही क्यों इन्फिल्ट्रेट करता है, तो उसका आंसर ये है कि वाटर इन्फिल्ट्रेट्स इन टू द सॉयल ड्यू टू पोर्स, के बेसिकली आपकी जो सॉयल है, आपकी जो मिट्टी है, उसमें छोटे छोटे से जो है ना वो क्या होते हैं, वो होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, तब पानी जो है वो मूव करता है इन टू दोज पोर्स। वाटर बेसिकली जो मूव कर रहा है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, लेकिन पानी बेसिकली करता क्या होता है, पानी बेसिकली जाके उन पोर्स को जो है ना वो उन होल्स को जो है जाके वो कवर करता होता है। अच्छा, मैं इसको दोबारा ज़रा एक बात कर दूँ क्योंकि बीच में थोड़ी सी शायद मैं लगा कि इतनी कोई बात समझने वाली ये नहीं हुई है, ठीक है, मैं भी करता हूँ उसको ज़रा। अच्छा, ये ना आपकी सॉइल सरफेस, मैंने जो बात की है ना वो ये की है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ना, शायद ये बात पहले हो चुकी हुई है, जो सब सरफेस में सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं
बेसिकली उनके अंदर होते हैं पोर्स। पोर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं होल्स। ये जो पोर्स है, पानी जो मूव करेगा ना, वो इन पोर्स के अंदर मूव करेगा। ठीक है, मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि जो आपकी सॉयल थी ना, उसके नीचे इतने सारे पोर्स थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो प्लांट की ग्रोथ है ना, उसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, फॉर प्लांट ग्रोथ वाटर भी रिक्वायर्ड है एंड एयर भी रिक्वायर्ड। ठीक है, पानी के साथ साथ जो है ना, वो हवा भी रिक्वायर्ड है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर आप सब लोगों को? अब अगर पानी एक्सेस है आपके पास, तो पानी क्या करेगा? पानी जो है, बेस्ट इरिगेशन वो होती है जिसके अंदर जो है ना कुछ होल्स वाटर ने ऑक्यूपाई किए हुए हों। ठीक है, कुछ होल्स वाटर ने ऑक्यूपाई किए हुए और कुछ होल्स जो है ना वो एयर ने ऑक्यूपाई किए हुए। कह रहा ये वाली बात, अगर ये वाले होल्स भी, अगर आपने एक्सेस पानी दिया है ना, तो एक्सेस वाटर क्या करेगा? एक्सेस वाटर जो है ना, वो खड़ा नहीं होगा सरफेस के ऊपर, वो हमेशा इन्फिल्ट्रेट करता रहेगा। तब तक करता रहेगा इन्फिल्ट्रेट जब तक ये वाले होल्स जो है ना, सारे के सारे होल्स जो हैं वो कवर ना हो जाए। ठीक है, अब जब ये सारे होल्स कवर हो जाएंगे ना, तो जो आपने फसल जो आप ग्रो कर रहे हो वो ग्रो करेगी नहीं। जो प्लांट है जिसने ग्रो करना था इसके अंदर, प्लांट के लिए मैं दूसरा साइन यूज़ कर रहा हूँ, तो वही करते हैं कि जो प्लांट है जिसने ग्रो करना था इस फसल इस सॉइल के अंदर, अब वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी के साथ साथ हवा भी रिक्वायर्ड थी। अब हवा तो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि सारे पोर्स तो जो है ना वो पानी ने ऑक्यूपाई कर लिए, तो वो जो है वो ग्रो ही नहीं कर सकता। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ था कि पानी को आपने, अगर एक्सेस पानी सब सरफेस में आ गया हुआ है ना, अच्छा सब सरफेस में एक्सेस पानी जो है वो कब आता है? जब आपके पास सरफेस के ऊपर जो है ना एक्सेस वाटर हो। ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि वाटर, सॉरी, एक्सेस वाटर इन सब सरफेस कम्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेस ऑन द सरफेस। कि सब सरफेस में जो है ना, वो जो एक्सेस वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब आपके पास पानी जो है वो सरफेस पे ज़्यादा हो। ठीक है, ज़ाहिर बात है, सीधी सी बात है कि भाई ये पानी कहाँ से आया है? हर पानी जो है जो सब सरफेस में आता है वो कहाँ से आता है? वो इन्फिल्ट्रेट कहाँ से होता है? वो जो इन्फिल्ट्रेट होता है कहाँ से? वो तो जो इन्फिल्ट्रेट होता है टॉप से। मतलब ये हमारे यहाँ वैसे ही है ना कि भाई देखें, जो भी पानी जो है ना उसने आना है सब सरफेस में, उसने कहाँ से आना है? उसने सरफेस से ही आना है। तो जो अगर यहाँ पे एक्सेस पानी था, तो ये कहाँ से आया? ये सरफेस से आया। ठीक है, तो आपने उस पानी को जो रिमूव करना है वो क्यों करना है? ताकि ये प्लांट की जो ग्रोथ है ये पॉसिबल हो सके। तो तब उसने लिखा हुआ है कि टू एनहांस द क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, क्रॉप ग्रोथ को जो है वो इन्हांस करे। ठीक है, और अगला उसने लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। ये बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको कि जब पानी एक्सेस में आता है ना सब सरफेस में, अब आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर, मैं फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये पांच और छः पॉइंट लिख रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, आपने इसको जहन में रखना है, आपको दूसरे कोर्स में भी काम आएंगे। आप आगे जो पढ़ोगे ना, कोई भी कोर्स जो है आपके डिपार्टमेंट का जो नहीं है, जो एग्रीकल्चर के मुतल कोर्स है, ये उनमें बहुत काम आएंगे आपके। तो ज़रा इनको जो है ना वो नोटिस करते जाओ साथ साथ। देखो, मैं कह रहा था कि नो वाटर ऑन द सॉइल सरफेस ऑन द लैंड इज विदाउट सॉल्ट्स। ठीक है, हर पानी जो कि बह रहा है ना आपके, चाहे दरियाओं में बह रहा है, चाहे वो नहरों में बह रहा है, उसके अंदर खास किस्म की नमकियात होती ही होती है। ठीक है ना, ये याद रखनी है आपने बात, कि जब भी कभी जो है वो आपने कभी देखना है ना किसी जो है वो पानी को बहते हुए, पानी हमेशा जब भी बहता है तो अपने साथ साथ जो है ना नमकियात को लेकर लाजमी आता होता है। समुंदर का पानी बहुत नमकीन होता है, जबकि कोर्स की बात नहीं मैं से बता रहा हूँ, समुंदर का पानी बहुत नमकीन है। क्यों नमकीन है? वो नमकियात कहाँ से आएंगे? वो नमकियात जो है अपने साथ जो है वो दरिया लेकर आते हैं। दरिया का पानी जो कि जाके समुंदर में गिरता है, तो ओवर द ईयर्स
जब से ज़मीन बनी है तब से जो है ना वो पानी जो है नमकियात लेके वो जा रहा है सी के अंदर, तो फिर उस सी इसलिए जो है ना वो बेसिकली कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सॉल्टी वाटर जो है वो सी के अंदर होता है। वो सॉल्ट कहाँ से आया? वो ज़मीन के ऊपर से दरियाओं का पानी लेकर आया अपने साथ। ठीक है, अच्छा तो अब वो होता क्या है कि जब ये पानी यहाँ पे आना, इसे सारे पोर्स कवर किए हुए, अब क्या हुआ कि जनाब अगर आपने पानी को रिमूव नहीं किया, बिलफर्ज अगर आपने पानी को रिमूव नहीं किया और ये पानी खड़ा रहा, तो अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली हर पानी जो है ना वो एवेपोरेट होता है। सही है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने पानी जो है वो प्लांट को अप्लाई किया और आपने उसको जो है उसको ड्रेन नहीं किया, वो पानी यहीं का यहीं खड़ा हुआ है, ये पानी अल्टीमेटली क्या होगा? ये पानी सूखेगा सही, और इसको कौन सुखाएगा? इसको जी सिखाएगी इवेपोरेशन। ठीक है, इसको सिखाएगी क्या? इवेपोरेशन, इसको भी इवेपोरेशन सिखाएगी। और आप शायद, आपके लिए ये बात नहीं हो लेकिन नहीं होनी नहीं चाहिए, कि सब सरफेस के ऊपर भी उससे जो वाटर है ना वो भी, जो सब सरफेस पे ज़रा थोड़े से जो है ना वो कम डेप्थ के ऊपर हो, वो पानी भी जो है ना वो इवेपोरेट करता होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर ज़मीन बहुत तपी होती है, तो वो जब तपी हुई ज़मीन है जो साथ में जो पानी है ना थोड़ा सा नीचे हो, जो पानी बस मतलब सरफेस के थोड़ा पानी नीचे हो, वो भी इवेपोरेट कर दिया करता है। जब ये पानी इवेपोरेट करेगा, पानी तो कर गया इवेपोरेट, पीछे क्या रह गया? पानी, अब ये जी एक्सेस वाटर जो था ना, ये जो यहाँ यहाँ पे पानी था ये सारा सूख गया जी। ठीक है, इवेपोरेशन हुई, सूरज ने जो है अच्छी खासी गर्मी जो है ना पैदा की, तो ये जी पानी, इसमें से बहुत सारा पानी जो है वो जो है ना वो सूख गया, कुछ रह गया कुछ सूख गया। अच्छा, अब पानी तो सूख गया, लेकिन अब क्या है, वो जो पानी सूख गया है ना उसका जो मसला भी ये बना है कि यार उसके सूखने के बाद जो है कुछ चीज़ें वहीं पे वहीं रह गई हैं, और वो क्या है? वो है आपके सॉल्ट्स। ठीक है, वो सॉल्ट जो है ना अब वो जगह वो घेर लेंगे। अब क्या है? अब मसला ये है कि हवा तो अभी भी नहीं है, अब क्या आ गया? अब सॉल्ट आ गया। सॉल्ट जो होता है वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है ना वो भी ठीक नहीं है। सही है, तो इस वजह से जो है हम कहते हैं कि ताकि ये एक्सेस जो सॉल्युबल सॉल्ट है ये भी पानी के साथ जो है ना वो निकल जाए, तो उसका बेहतर हल क्या है कि जब पानी इसके अंदर पहले से अवेलेबल था, मैं वो दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये था एक्सेस वाटर आ गया था, आप इस एक्सेस वाटर को जो है ना सूखने से पहले, सूखने से पहले बिफोर ड्राइंग, बिफोर ड्राइंग वाटर हैज़ टू बी रिमूव्ड, कि पानी को जो है ना आपने निकालना ही निकालना है। समझ आ गई इस पूरी बात की? तो वो ये कहते हैं कि इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, कि जब पानी को आप निकाल दोगे एक्सेस वाटर को ड्राई होने से पहले पहले, तो जिसके साथ सॉल्ट था वो भी निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये अब पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। आगे जो है उसने लिखा हुआ है कि पहले तो पता लग गया आपको फूड प्रोडक्शन है, अगर पानी को अपने एक्सेस वाटर को नहीं निकाला तो एयर मिलेगी नहीं प्लांट को, और प्लांट जो है डर मर जाएगा। अगला, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, कहता ये है कि अगर आपने बिलफर्स प्रॉपर पानी रिमूव ना किया तो क्या होगा कि प्लांट ग्रो नहीं करेगा, और आपकी जो वीट है या आपकी जो भी क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होगी। सही है ना, और जब प्लांट की ग्रोथ इफ़ेक्ट होगी तो क्या होगा? आपकी यील्ड जो है ना वो इफ़ेक्ट होगी। मैं ये लंबा सारा जो है ना ये सारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ज़रा इधर से कर रहा हूँ, ये इधर वाला, ये अगली बातें शुरू हो रही हैं, ये पहली वाली बातें ख़त्म हो गई हैं, अब ये मेन पर्पज़ जो था ना इसका मैं ये बता रहा हूँ, ड्रेनेज का है क्या, इसके इसकी बातें आप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा सारी की सारी बातें। अब हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस करना है कि एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा करनी है, मतलब आपने यील्ड जो है वो ज़्यादा लेनी है किसी जगह से, या उधर ज़्यादा फसल लगानी है आपने। और डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? कि आपने मुख्तलिफ फसलें लगानी है। ठीक है, आपने ये चीज़ याद नोट कर लेनी है कि इंटेंसिफिकेशन का मतलब है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साथ में, इंटेंसिफिकेशन जो है इसका मतलब ये है टू डू मोर एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा करना। और जो डाइवर्सिफिकेशन है वो क्या है? टू प्रोड्यूस डाइवर्स क्रॉप्स, मुख्तलिफ जो है ना फसलें लगानी है आपने, सिर्फ वीट नहीं लगानी है आपने, अपने राइस पे लगाना होगा, आपने जो है वो
मेज़ भी लगाना होगा, मतलब मुख्तलिफ क्रॉप्स लगानी है आपने, उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, अब इसके लिए जी पूछने वाली बात यह है कि इसके लिए भाई साहब क्यों ज़रूरी है आपकी जो है ना ड्रेनेज, उसका जवाब आ रहा है। जवाब ये है कि अगर 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 इफ एक्सेस वाटर इज नॉट रिमूव्ड तो क्या होगा, वहाँ ग्रोथ जो है ना वो इफेक्ट होगी, जब ग्रोथ इफेक्ट होगी तो यील्ड क्या होगी, यील्ड विल बी लेस। ठीक है, ये यील्ड जो है वो आपकी लेस आएगी, तो आप इंटेंस एग्रीकल्चर जो है ना वो नहीं कर सकते। तो ये पहले का जवाब था, ठीक है, कि अगर आपकी जो है ग्रोथ इफेक्ट होगी प्लांट की। अब एक तो ये ना कि वर्स्ट केस क्या है कि प्लांट मर जाएगा अगर आपने ड्रेनेज ना की, लेकिन अगर प्लांट को ऐसा है ज़रा सख्त जान है और वो बच गया है तो फिर क्या होगा कि वो उसकी ग्रोथ जो है उस तरीके की नहीं होगी जिस तरीके की आप चाह रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर आपने एक्सेस वाटर को नहीं रिमूव किया, आप डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि अगर बिलफर्ज आपकी राइस की बिलफर्ज आपकी जो थी ना वो फसल, राइस को मैं डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि राइस को तो चाहिए ही पानी होता है, तो वो तो पानी के अंदर उगती है, ठीक है ना, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। बिलफर्ज आपकी जो क्रॉप थी ना वो थी शुगर केन, आपने आपने पानी बहुत इस्तेमाल किया उसके अंदर, अब जो है ना आपने उसके अंदर वीट लगानी है, ठीक है ना। अब पानी इतना ज़्यादा है कि अगर आप इतने आप एक्सेस वाटर है इसके अंदर कि अगर आप उसको नहीं रिमूव करोगे ना आप वीट को लगा नहीं सकते, ठीक है ना। आपने मतलब कि अगर आपकी क्रॉप जो है, इफ़ योर क्रॉप इज सेंसिटिव, अगर क्रॉप सेंसिटिव है, कोई ऐसी क्रॉप है जो कि बहुत सेंसिटिव है पानी से, तो एक्सेस वाटर के अंदर, इन एक्सेस वाटर इट विल नॉट ग्रो, कि वो ग्रो ही नहीं करेगी, ठीक है, वो उगेगी नहीं। सो ये भी एक मसला है, तो फिर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते ना, आप फिर सिर्फ राइस, आप फिर सिर्फ वो जो है ना जो जो कंडीशन है आपके फील्ड के वो चूँकि सूट कर रहे हैं उसको शुगर केन को, तो आप सिर्फ वही लगा सकते हो, उससे फिर कोई और मुख्तलिफ क्रॉप जो है ना वो नहीं लगा सकते। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो सकती है और आपकी इंटेंसिफिकेशन भी नहीं हो सकती है अगर आपके पास जो है वो एक्सेस वाटर जो है ना वो आपने रिमूव नहीं किया या ड्रेन जो है ना वो नहीं किया। आगे सस्टेनेबल इरीगेटेड लैंड यूज़ कहता ये है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लैंड है जो आपके पास पड़ी हुई है, अब जाहिर बात है सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि उस लैंड से जो है ना कुछ आपको चीज़ मिल रही है, ये सस्टेनेबिलिटी है। हर लैंड जो फारिग पड़ी हुई है वो सस्टेनेबल नहीं है। मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया, कोई ये आपकी लैंड है ना आपके पास, ठीक है, अब इसके अंदर एक्सेस वाटर है बिलफर्स, ठीक है ना, इसके अंदर जो है ना वो एक्सेस वाटर है, ठीक, आप इसके ऊपर कोई चीज़ ग्रो ही नहीं कर सकते, तो ये लैंड क्या होगी, इफ़ यू कांट ग्रो एनीथिंग ऑन दिस, ये कोई पीस ऑफ लैंड है, इफ़ यू कांट ग्रो एनीथिंग ऑन इट, इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि जिधर से आपको कोई ना कोई चीज़ जो है मिल रही हो, चाहे वो पैसे की शक्ल में मिल रही हो, चाहे वो एक तरह से कोई 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 प्रोडक्ट की सूरत में मिल रही हो, तो वो लैंड सस्टेनेबल ही नहीं है जिसके अंदर से एक्सेस वाटर आपने रिमूव नहीं किया। तो ये भी इसका एक जो है ना वो पर्पज़ है, इसको कि हम लैंड को सस्टेनेबल बनाएं, तो वो भी पर्पज़ है एक ड्रेनेज का। और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो क्या है, वो ये है कि बिलफर्ज आपके पास कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है ना, कोई पीस ऑफ लैंड है, कोई पीस ऑफ लैंड है जिसके अंदर है एक्सेस वाटर, ठीक है ना, एक्सेस वाटर है, तो क्या क्या है वहाँ उस लैंड का इशू क्या है, उस लैंड के अंदर जो है बेसिकली आप जो है कोई चीज़ ग्रो नहीं कर सकते, यही है ना मसला कि उसके उस ग्रोथ वहाँ पे कोई चीज़ हो सकती नहीं है, ठीक है, तो वो एक तरह से वो क्या हो जाएगी, अगर उसके अंदर एक्सेस वाटर है तो वो क्या हो जाएगी, वो बैरन लैंड है, वो क्या है, वो एक तरह से जो है ना क्या है, एक तरह से बैरन लैंड है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बैरन लैंड है, ठीक है ना, इफ़ यू रिमूव
एक्सेस वाटर, इफ यू रिमूव एक्सेस वाटर तो फिर क्या होगा कि हम बोलते हैं कि वहाँ पे जो फ्लोरा जो है ना, वो एक लफ्स होता है फ्लोरा, उसको पढ़ना कि फ्लोरा कल्चर एक होता है कि जिसके जैसे जैसे हम बोलते हैं कि दरख्त वगैरह उगते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो इन्वायरमेंटली जो साउंड चीज़ें हैं वहाँ पे उगना शुरू कर देती हैं, अगर आप एक्सेस वाटर को रिमूव कर दोगे तो वो फ्लोरा और फौना जो है वो वापस आएगा ना। आपने जिन लोगों ने बायो पढ़ी उनको पता है कि फ्लोरा और फौना क्या होता है, ये गूगल कर लेना इसको। ये बेसिकली होता है कि जब एक पीस ऑफ लैंड जो है जहाँ पे ग्रोथ की जो है ना वो पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे दरख्त जो है कोई चीज़ सब्ज़ा जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाता है। तो फिर वो जो फ्लोरा कल्चर है वो करता क्या है, वो इन्वायरमेंट को जो है ना वो इन्वायरमेंट को जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है। ये बेसिकली इसका पूरे का पूरा पर्पज़ है, ठीक है। कि अगर आप एक्सेस वाटर रिमूव कर दोगे, मैं सिंपल एक क्रूड लैंग्वेज में बात करता हूँ कि अगर आपने एक्सेस वाटर रिमूव कर दिया उस जगह पर दरख्त आप लगा सकते हो और इन्वायरमेंट को जो है ना आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये एक उसका जो है ना बहुत बड़ा एक वो एडवांटेज है, ठीक है। वरना लैंड क्या रहेगी, लैंड बैरन पड़ी रहेगी और वो जो लैंड है वो बैरन जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन ही दे रही है, सही है। तो ये बेसिकली इसका जो है ना वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक फ़ायदा है ड्रेन करने का। क्लियर है ये वाली बात क्यों नहीं, तो नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। इंपॉर्टेंस ऑफ इरीगेशन, अच्छा ये मैंने ड्रेनेज, सॉरी मैं बार बार इरीगेशन पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज मैंने पहले बोल दिया हुआ है, शायद यहाँ पे मेन पर्पज़ के अंदर ही कुछ चीज़ें आ गई हुई थी। बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इन एनी इरीगेशन सिस्टम द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैव बीन वाटर लॉगिंग एंड एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट्स। अच्छा एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट्स तो आपने पढ़ लिया कि जब भी एक्सेस वाटर आएगा और वो इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, सॉल्ट छोड़ जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट्स तो वो है कि अगर आपने एक्सेस वाटर दिया तो साल्ट्स तो एक्यूमुलेट होने ही होने हैं। और जो पानी एक्यूमुलेट होता है ना, सॉल्ट की एक्यूमुलेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स। अगर पानी यहाँ पे है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग, ठीक है। ये है इसका कि वाटर लॉगिंग इज द राइट टर्म फॉर द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर इन द सब सर्फेस, ठीक है। मैं बता दूँ आपको कि वाटर लॉगिंग क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर इन द सब सर्फेस, कि सब सर्फेस के अंदर जो है ना एक्सेस वाटर की प्रेजेंस जो है वो हो जाया करती है अगर आपने ड्रेनेज नहीं की तो, ठीक है। दूसरा लिखता है कि इरिगेशन एंड ड्रेनेज आर इनसेपरेबल, कि आप इरिगेशन को ड्रेनेज से अलग जो है ना वो नहीं कर सकते। एक्सेस वाटर इन द सॉइल डिलेज नॉर्मल फील्ड ऑपरेशन लाइक फील्ड प्रेपरेशन, सोइंग, इंटरकल्चर एंड हार्वेस्ट। कहते हैं कि अगर आपका एक्सेस वाटर जो है वो अवेलेबल है सॉइल के अंदर, तो जाहिर बात है कि अगर ये सॉइल के अंदर पानी है तो आप ना तो वहाँ पर ट्रैक्टर चला सकते हो, उस लैंड के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि वो वाटर रिमूव नहीं होगा, सही है। क्योंकि ट्रैक्टर जाएगा ही नहीं वहाँ पे, कोई चीज़ कोई इम्प्लीमेंट वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पे कि इन एक्सेस वाटर नो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कैन ऑपरेट, ठीक है ना। कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं कर सकता, आप लैंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते इस वजह से कि आप लैंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्रीकल्चर, आप लैंड को प्रिपेयर ही नहीं कर सकते हो एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रिपेयर, लैंड प्रिपेयर ही नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, तो फिर आप सोइंग भी नहीं कर सकते। सोइंग क्या होती है, फसल को जो है ना लगाने को बोलते हैं, बीज को लगाने को बोलते हैं। भाई जब लैंड प्रिपेयर नहीं हुई तो हमने बीज कहाँ फेंकना है, सीधी सी बात है, ठीक है। और फिर जो है ना एंड वाला लफ्ज़ जो है ना वो जो एंड वाला है वो है हार्वेस्टिंग। जारी बात है कि अगर आपने फसल लगाई नहीं है तो आपने हार्वेस्ट कैसे करनी है। तो जब तक वाटर को रिमूव नहीं करोगे आप लैंड के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। आगे एक्सेस वाटर मेक, ये एक्सेस वाटर मेक्स द क्रॉप ससेप्टिबल टू डिजीज एंड पेस्ट। अच्छा ये बहुत, ये बड़ी आसान सी है लेकिन ये अमूमन बच्चों को समझाना ज़रा मुश्किल होता है। देखो कहते हैं एक्सेस वाटर जो है ना वो प्लांट को जो है डिजीज़ लगा दिया करते हैं और उनके ऊपर जो है ना वो कीड़े मकोड़ों का अटैक भी करवा दिया करते हैं। अच्छा इसकी क्या वजह, डिजीज़ कौन से होते हैं, जो प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर आता है ना
तो प्लांट की ग्रोथ जो है ना वो नहीं होती है। ये तो पता है ना आपको इस बात का, वो ग्रोथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्लांट को डिजीज़ लग चुका होता है। सही है, जैसे हमें अगर जो है ना वो जो हमारी अगर जिस्म को पूरी हवा ना मिले तो क्या होगा, हमारे लंग्स जो है ना कोलैप्स कर जाएंगे, ये एक डिजीज़ है। अगर आपको जो है ना ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती तो आपकी बॉडी के पार्ट्स मरना स्टार्ट कर देंगे। सही है, ऐसे ही प्लांट को भी यही होता है कि जब उसको जो है ना वो एयर नहीं मिलती है, ठीक है, तो सारी ज़मीन के अंदर पानी ही पानी हो और उसको हवा ना मिले, अब जो कि उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर क्या होता है? फिर ऑब्वियसली मसाइल होते हैं प्लांट के लिए कि उसकी जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के उसके जो क्या कहते हैं उसको, जो बीमारियां हैं प्लांट को लग जाती हैं, ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ का ना होना एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो और भी अब मुझे प्लांट्स की बीमारियों का बड़ा पता कोई नहीं, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन या एंटोमोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन प्लांट्स की जो है ना ग्रोथ इट सेल्फ भी एक बीमारी, ना होना भी इट सेल्फ एक बीमारी है पूरी की पूरी, तो उसको मुख्तलिफ बीमारियाँ लग जाती हैं। दूसरा वजह क्या होती है कि जब एक्सेस वाटर अवेलेबल होता है, जिस जिस जगह वाटर अवेलेबल हो, जहाँ पर भी पानी होगा ना ज़मीन के अंदर, वहाँ पर कीड़े मकोड़े लाजमी आएंगे, ठीक है ना। वेर एवर देर इज़ वाटर, तो कीड़े मकोड़े जो है लाजमी आते हैं उसके उसके आसपास। तो फिर वो कीड़े मकोड़े, चूँकि पानी जो है ना वो यहीं पे होता है, आपने खुद देखा होगा कि जंगल में सबसे ख़तरनाक चीज़ें कहाँ होती हैं? पानी के आसपास, ठीक है। तो जब वो पानी वो आते हैं कीड़े मकोड़े यहाँ पे, तो ऑब्वियसली फिर प्लांट को भी जो है ना वो अटैक करते हैं, पानी को यूज़ करने के बाद जो है प्लांट को भी वो लोग अटैक करते होते हैं। तो अगला है, टू ग्रो अ क्रॉप नॉर्मली रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर बिकम्स नेसेसरी। तो अगर ये सारा कुछ करना है आपने कि प्लांट जो है नॉर्मली ग्रो करे, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एक्सेस वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, अब है सब सरफेस ड्रेनेज। मैंने इसके बारे में पूरा बता दिया होगा कि सब सरफेस ड्रेनेज जो है वो क्या होती है, कि आपने पानी जो है वो सब सरफेस से निकालना है, ठीक। लेकिन अब कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बोल दूं, क्योंकि अगर कोई इशू अगर आपको पढ़ने में हो तो आप इसको जो है बेहतर तरीके से जो है ना एड्रेस कर सको। वैन एक्सेस वाटर इज़ प्रेजेंट इन द रूट जोन, द एरिया इज़ सेट टू बी वाटर लॉक्ड। मैंने पहले बोल दिया होगा कि जब एक्सेस वाटर जो है, यहाँ पे लिखा था मैंने प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर इन द सब सर्फेस, कि जब सब सर्फेस में जो है सब सर्फेस को, बाय द वे जो सब सर्फेस के अंदर पानी है, ठीक है ना, ये अगर ज़्यादा है एक्सेस है तो उसे क्या बोलते हो आप? उसे मैंने पहले बोल दिया कि उसके अंदर क्या बोलना है, उसे आपने वाटर लॉक बोलना है। रूट जोन का पता है आपको, रूट जोन क्या होती है? सब सर्फेस के अंदर जहाँ पर रूट हो उसको रूट जोन बोलते हैं। तो अगर कहते हैं कि जी सब सर्फेस के अंदर एक्सेस वाटर है, तो उस एरिया को आप क्या बोलते हो? उसको वाटर लॉक बोलते हो। एंड द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इज कॉल्ड सब सर्फेस ड्रेनेज। तो अगर सब सर्फेस आपने पानी को रिमूव करना है, तो उसे आपने क्या बोलना है? उसे आपने बोलना है सब सर्फेस ड्रेनेज। इसकी डेफिनेशन है एक तरह से ये वाली, तो ये मैंने पहले भी कई दफ़ा बोल दिया, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आई होप के यू अंडरस्टैंड, अगर ना हो तो पूछ लेना। आगे, द वाटर लॉगिंग इज कॉज बाय द हाई वाटर टेबल इन द एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टाइम इनफिल्ट्रेशन पर्कोलेशन एंड सीपेज फ्रॉम द वाटर वेरियस सोर्सेज। ये पॉइंट जो है ये आप लोगों की समझ में नहीं आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बोला, हमने इसको पहले बताया भी नहीं है और इसको आपके लिए मुश्किल भी है, तो इसको मैं आप समझाता हूँ आपको, ठीक है। बल्कि इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको मिला के समझा देता हूँ कि दोनों को पॉइंट्स का मतलब क्या है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ साथ में। वाटर लॉगिंग इन द एरिड एरिया इज यूजली एसोसिएटेड विद द सिक्वेंशियल सैलिनिटी एंड रूट जोन सैलिनिटी प्रॉब्लम सच एज सच दैट द वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी आर यूजली रेफर्ड एज ट्विन मेनेस इन द एरिया। अच्छा, मैं दोनों को इकट्ठा जो है ना वो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, कहते हैं बिल्फर्स, मुझे बार बार जो है ना वो सरफेस ड्रा करना पड़ रहा है, तो ये बड़ा इशू है ये ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर, क्लास में ये ना होता। बिल्फर्स, ये आपका जो है ना वो सरफेस है सॉइल का, ठीक है, ज़मीन का सरफेस है ये वाला, और इसके ऊपर जो है ना वो एक्सेस वाटर जो है ना वो अवेलेबल था। ठीक है, ये आपका था एक्सेस वाटर। अब ये पानी जो है बिल्फर्स, अब ओवर द ईयर्स क्या होने, मतलब ये पानी यहीं पे रहता है बिल्फर्स, ठीक है, तो क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन तो रहनी रहनी है हर टाइम इसमें से, ठीक है, हर टाइम जो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो तो रहनी ही रहनी है यहाँ पे, ये तो पता है हमें इस बात का। अच्छा, अब क्या होता है कि पानी जो है वो सरफेस से सब सरफेस में मूव किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। अब क्या होगा? अब देखो जी, ज़मीन के नीचे भी तो पानी होता है ना, मैं पता है उसका, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर बोलते हैं, वो तो होता ही होता है। अब क्या होना है कि जब ये पानी जो है नीचे आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, तो क्या होगा?
ये वाटर जो है नीचे आ ही जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होता जाएगा, ये ज़मीनी पानी के साथ आके मिलता जाएगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ज़मीनी पानी जो है उसकी जो जो हाइट है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, उसकी जो हाइट है वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये मूव करता करता ये ज़मीन के इतना करीब आ जाएगा कि जी अब आप प्लांट इसके अंदर ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ज़मीन के ये इतना करीब पहुंच गया हुआ है कि जी ये जो है ना अब बेसिकली प्लांट जो है वो ग्रो कर ही नहीं सकेगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए एयर भी चाहिए, तो जब कोई पोर बचा ही नहीं बीच में इसके जो कि जिसमें एक एयर समा सके, सिर्फ है ही पानी ज़मीन के नीचे, सिर्फ पानी और मिट्टी है और कोई तीसरी चीज़ है ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि प्लांट इसमें ग्रो जो है ना वो नहीं कर सकता। ठीक है ना, अब सीधी सी बात है कि आपका इसमें तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं, हम ये कहते हैं इस प्रोसेस को हम ये बोलते हैं कि लॉन्ग टाइम जब इन्फिल्ट्रेशन रहे ना एक्सेस वाटर की वजह से, तो जो वाटर टेबल है वो क्या करेगा, वो राइज करना स्टार्ट कर देगा, और एक टाइम पे आके वो इतना करीब आ जाएगा कि बेसिकली जो है वो ज़मीन जो है वो कोई चीज़ ग्रो कर ही नहीं सकेगी। आज से बहुत साल पहले जब तुम लोग अभी पैदा भी नहीं हुए थे, बल्कि इनफैक्ट तुम्हारे वालदैन की शायद शादी भी ना हुई हो, तुम्हारे वालदैन भी तुम छोटे हो, ठीक है, उस ज़माने की बात है, कहते थे कि फैसलाबाद जो है बेसिकली वो डूबने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जो ज़मीनी जो पानी था ना आपका, जो ग्राउंड वाटर था आपका उस ज़माने में, ये मैं 70s 80s की बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 फुट तक आ गया हुआ था, बल्कि मैंने शायद 4 से 5 फुट बोल दिया हुआ, ज़्यादा बोल दिया हुआ है, 3 फुट के ऊपर लोग कहते हैं कि 3 फुट का आप गड़ा खोदो ज़मीन के नीचे आपको पानी मिल जाया करता था, सिर्फ 3 फुट जगह आपने नीचे खोदनी है ज़मीन के आपको पानी मिल जाना, ये उस ज़माने की बातें हैं। और आजकल जो है ना वो कहाँ पे है, ये 70s की बातें मैं कर रहा हूँ आपके, 1970s की, और आजकल कितना है अपन ज़मीनी पानी, यूनिवर्सिटी के अंदर हमें अभी बोर कराया हमने अभी, अब पानी जो है वो 80 फीट पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, हमने अभी बोर कराया, इनफैक्ट अभी जो आपकी हमारी वर्कशॉप है इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो है ये हफ्ता पहले बोर कराया हम लोगों ने, और वो बता रहे थे कि जी ज़मीनी पानी जो है वो 80 फीट है। डेटा ये कब का मैंने दिया आपको, ये बेसिकली हफ्ता पहले क्या थी 21 थी शायद, मेरा ख्याल है रमज़ान के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 21/5/2020, ठीक, इस डेट को जो जो था वो कितना था, वो 80 फीट है, निकाल दिया सारा पानी हम लोगों ने बाहर, तभी फैसलाबाद के अंदर फसलें ग्रो करनी है। ठीक है, 3 से 5 फीट के ऊपर पानी आ चुका हुआ था, और असेसमेंट ये थी कि अगर आपने इस पानी को रिमूव ना किया तो ये पानी रेज करता 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 क्या आ जाएगा, पानी ज़मीन से बाहर आ जाएगा, मतलब इफ़ेक्टिवली आपके पास जो है वो क्या कहते हैं कि फैसलाबाद जो है आपका वो डूब जाएगा एक तरह से। तो फिर उन्होंने बहरहाल बाद में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया उस ज़माने में 70s के अंदर, अभी भी सुनते होंगे आप, बोर्ड पढ़े होंगे आपके में से जो ज़्यादा देहातों में, स्कार पे एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे ट्यूबवेल्स जो है ना लगाए फैसलाबाद के आसपास, और पानी को बाहर निकाला, पंप लगाए और पानी को ड्रेन किया, ये उस ज़माने की बात है। ठीक है, बहरहाल ये था ये पहले वाला पॉइंट। दूसरे पॉइंट वो ये कहता है कि जब आपकी वाटर लॉगिंग होती है ना, ठीक है ना, कि पानी जो है आपकी ज़मीन के जो है ना वो बहुत करीब आ चुका है बिल्कुल, तो फिर क्या होता है कि पानी जो है, जाहिर बात है जब इवेपोरेट करता है ना साथ में पानी जो है, पानी के ज़मीन के करीब वाला पानी जो है वो जब इवेपोरेट करेगा, मैंने क्या बोला, वो पानी जो सब सरफेस में हो ज़मीन के करीब हो, और वो पानी जो है क्या करे, ज़मीन की तपिश की वजह से जो है ना इवेपोरेट करे, तो क्या होता है कि जो आपके सॉल्ट्स हैं वो बिल्कुल जो है ज़मीन के रूट जोन में आ जाते हैं सॉल्ट्स। मैंने क्या अपने आप जो है ना बोला आपसे, मैं लिख भी दूँ साथ में कि वाटर प्रेजेंट इन द सब सरफेस जो वाटर सब सरफेस में प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोजर टू द लैंड सरफेस, कि वो पानी जो सब सरफेस में है और लैंड सरफेस के बिल्कुल पास है, व्हेन इट एवेपोरेट्स इट लीव्स सॉल्ट्स बिहाइंड,
कि जब वो वेपरेट कर जाता है तो खुद तो वेपरेट हो जाता है लेकिन सॉल्ट पीछे छोड़ जाता है। अच्छा, अब ये जो सॉल्ट का जो है ना, इट लीव सॉल्ट बिहाइंड, एक लफ्ज़ में बोल के लिखना, इन द रूट जोन, ठीक है ना। और ये सॉल्ट की जो प्रेजेंस है, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन द रूट जोन्स इज कॉल्ड सेलिनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये लफ्ज़ उसने यहाँ पे लिखा हुआ था सेलिनिटी, ये देखो ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये जो है ना ये सेलिनिटी है, ठीक है। और इसको हम उर्दू में जो है ना वो बोलते हैं कलर, कलर वाली ज़मीन है। ये फैसलाबाद के आसपास अभी भी बहुत सारी है, मोटरवे को ट्रैवल करो, आसपास की ज़मीन अभी भी बहुत सारी जो है ना वो कलर ज़मीन है। अब वो कलर ज़मीन का कभी पूछना कि पानी का लेवल कितना है, ज़मीनी पानी का लेवल, आपको बताएंगे वो कि बहुत थोड़ा है, कि ज़मीनी पानी बहुत जल्दी जो है ना वो निकल आता है यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए आपने, इन चीज़ों को जब ये लिखता हूँ ना ये वाली चीज़ें बहुत ही पर्टिनेंट करती है, इनको ज़रा गौर से जाना समझा करो इसको, और वीडियो को रिपीट करके पहले देख लिया कर लो कि मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो क्या हैं, ठीक है। ये क्लियर होगी बात यहाँ पे। नेक्स्ट, सरफेस ड्रेनेज, यार वैसे ये तो बताने वाला कोई नहीं है लेकिन बारे में बता दो थोड़ा सा, 3-4 पॉइंट्स इसमें बताऊंगा मैं। वो क्या है, व्हेन एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, तो उसको रिमूव को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि जी वो जो है ना बेसिकली रिमूवल जो उसका है वो क्या है, वो सरफेस ड्रेनेज है, ठीक है। नेक्स्ट, द सरफेस ड्रेनेज प्रॉब्लम इज कॉज बाय द सरफेस पॉन्डिंग ऑफ द रेन वाटर, कहते हैं कि सरफेस जो के ऊपर जो एक्सेस वाटर आता है, जो सब सरफेस में एक्सेस वाटर आता है वो कहाँ से आता है, सरफेस वाटर से। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सोर्स है, मैंने पहले भी बात लिख दी थी आपको कि सब सरफेस में जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ से है, वो सरफेस वाटर की वजह से है। जो सरफेस वाटर की एक्सेस है वो कहाँ से आया, तो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एक्सेस ऑफ सरफेस वाटर जो है कम्स फ्रॉम रेनफॉल, कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, फ्लड्स आते हैं, फ्रॉम रेनफॉल फ्लड्स हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी रीजंस हैं कि जो, लेकिन दो ये मेन है कि रेन वाटर है और साथ में क्या है, फ्लड्स हैं। कि सरफेस के ऊपर एक्सेस वाटर कब आता है, जब बारिशें बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, मैं यहाँ पे लफ्ज़ लिख भी दूँ कि हैवी रेनफॉल और साथ में क्या है, फ्लड्स, दो इसकी जो है ना मेन रीजंस है वो यहाँ पे उसने लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लडिंग ऑफ द एरिया ड्यू टू ओवर स्पिल ऑफ रिवर एंड अदर लार्ज चैनल कैरिंग वाटर जनरेटेड फ्रॉम द आउटसाइड एरिया इज जनरली नॉट इंक्लूडेड अंडर ड्रेनेज बट इज यूजली टर्म्ड एज फ्लड्स सच एज सच कंडीशंस आर ट्रीटेड अंडर द फ्लड कंट्रोल मेजर्स। यार ये आपके कोर्स की जो है ना ये पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट द पॉइंट इन योर कोर्स, आपने इसको जो है ना वो नहीं उसको देखना, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना ये फ्लड कंट्रोल वालों का है, तो ये आपके तो सरफेस ड्रेनेज के अंदर, ये सरफेस ड्रेनेज के अंदर नहीं आता ये वाला, उसने खुद भी लिख दिया होगा लेकिन भारत आपने इस पॉइंट को नहीं देखना। ये दो पॉइंट्स आपके नेसेसरली जो होगा आप देखने हैं आपने, और मैंने इसको बारह यहाँ पे समझा भी दिया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, कहते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज प्रॉब्लम्स, कहते हैं कि जी सब सरफेस और सरफेस की जो आपस में इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, कि जब सरफेस की ड्रेनेज और सब सरफेस की ड्रेनेज का आपस में क्या लिंक है, ये इस स्लाइड का मतलब है कि सरफेस की ड्रेनेज और सब सरफेस की ड्रेनेज का आपस में क्या लिंक है, इसका थोड़ा सा जो है ना वो बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं कि लैक ऑफ एडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज विल कॉज लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल टू इन्फिल्ट्रेट एंड रिजल्ट इन वाटर टेबल राइजिंग एंड अपेयरेंस ऑफ वाटर लॉगिंग, कहते अच्छा ये बड़ी, ये मैंने पहले ये बात इधर ही बोल दी थी, ये वाली दोबारा वो पॉइंट रिपीट ही हो रहा है, मैं दोबारा बोलता हूँ इसको। कहते हैं कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी, इसके लिए अलग डायग्राम बना दूँगा यार, वो आगे भी जाके यूज़ करनी है मैंने, तो डायग्राम मैं फिर एक और बनाता हूँ, है वही, ये है जी आपका वाटर सरफेस, और जी बारिश जो है ना आपकी वो हो रही है बिलफर्स, ठीक है। कि जो बारिश आपकी जो है ना वो हो रही है, ठीक। अब वो कहते हैं कि अगर ये जो बारिश है ना, ये आपने इस किससे जो पानी इकट्ठा हुआ है बारिश से आपकी ज़मीन के ऊपर, ठीक है ना, बिलफर्ज ये एक्सेस वाटर इकट्ठा हो गया आपकी ज़मीन के ऊपर, अगर आपने इसको रिमूव नहीं किया तो इसका रिज़ल्ट जो है ना वो क्या बनेगा, इसका जो रिज़ल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कि ये इन्फिल्ट्रेट करेगा, ये ठीक है,
सिंपल सी बात है कि इट विल ऑटोमेटिकली इन्फिल्ट्रेट, इन्फिल्ट्रेट करेगा और क्या करेगा, अगर इन्फिल्ट्रेशन जो है ओवर द कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने होती रही, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं मानसून के अंदर ख़ास तौर पर, तो क्या होगा कि वो अगर इन्फिल्ट्रेशन होती रही, बारिशें होती रहीं और आपने रिमूव नहीं किया और इन्फिल्ट्रेशन ओवर द मंथ होती रही, तो क्या होगा कि वाटर टेबल जो है ऑटोमेटिकली राइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और फिर जब वाटर टेबल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा कि भाई साहब आपकी जो है ना वो वाटर लॉगिंग वाले इश्यूज जो है ना वो भी हो सकते हैं कि रूट जोन के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा आ जाए। तो दिस विल रिजल्ट इन व्हाट, दिस विल रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग, दिस कैन रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो बारिशें होती हैं आपकी, जो उनसे एक्सेस वाटर आता है, अगर आपने उसको रिमूव ना किया तो फिर क्या होगा, दो मसले होंगे, वाटर लॉगिंग होगी और क्या होगा, वाटर टेबल राइज करेगा, ये एक मसला वाटर लॉगिंग होगी दूसरा मसला, और उसने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, और तीसरा मसला क्या है, वो है सेलिनिटी का, ठीक हो गया। तो ये तीन मसले सुन लो कि अगर आपने एक्सेस वाटर रिमूव नहीं किया सरफेस से तो क्या मसले होंगे, पहले वाटर टेबल राइजिंग, दूसरा वाटर लॉगिंग, और तीसरा सेलिनिटी। ठीक है, आगे, लैक ऑफ एडिक्वेट सब सरफेस ड्रेनेज एंड थस हाई वाटर लेवल हैम्पर्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एनी रेनफॉल रिजल्टिंग इन इंक्रीज रन ऑफ एंड क्रॉप लॉसेस। अच्छा, अब ये जो पहले दूसरे वाला पॉइंट है ये पहले वाले के उलट है और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं इसको भी जो है ना यहाँ पे जो है ना वो लिख देता हूँ आपको कि बिल फर्स आपकी ये ज़मीन का जो है ना वो लेवल है, ठीक है, और इसके नीचे जो है ना वो पानी बहुत ऊपर वाले लेवल तक आ चुका है, ठीक है, पानी रूट जोन के अंदर जो है ना वो उसने काफ़ी जगह जो है ना वो घेरी हुई है रूट जोन के अंदर, ठीक है। ये चूँकि वाटर टेबल का लगता है तो मैं इसको बेसिकली बताना चाह रहा था कि बिल्कुल आपके बहुत सारे जो है ना वो ये आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं ब्लैक के अंदर, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं और नीचे जो है ना वो साथ में बाकी जो खाली जगह है वो एयर की बजाय जो है ना सारी की सारी जो है बेसिकली वो जो है ना वो घेरी हुई है वाटर ने, ठीक हो गया। कुछ जगह जो है ना वो मिट्टी के पास है, कुछ जगह पानी के पास है, एयर के पास है ही कुछ नहीं, एयर कहीं पे भी नहीं है। तो क्या होना, अगर आपने इस एक्सेस वाटर को रिमूव ना किया तो ये क्या करेगा, ये प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर करेगा, इट विल इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। एक तो ये मसला है, दूसरा मसला पता क्या होता है इसके अंदर, अगर आपने सब सरफेस वाटर को रिमूव नहीं किया तो अब अगर ये सारी जगह पानी ने घिर लिया, ठीक है, और वाटर टेबल जो है वो इतना ऊपर आ चुका हुआ है, पानी इन्फिल्ट्रेट करते करते वाटर टेबल इतना ऊपर आ गया हुआ है कि एक टाइम ऐसा आना है कि जब मज़ीद पानी इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट हो सकता ही नहीं है क्योंकि पोर्स ही ख़त्म हो चुके हैं, सारे पोर्स तो पानी ने घिर लिए हैं, अब मज़ीद पानी इसके अंदर जो है ना वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या होगा कि वो सारे का सारा पानी जो है वो क्या करेगा, उसका बनेगा रन ऑफ, कि वो सारे का सारा पानी फिर सरफेस के ऊपर जो है ना फ्लो करेगा, सरफेस के ऊपर जो है ना भागेगा, और पानी जब भी एक्सेस वाटर सरफेस के ऊपर भागता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस वाटर का जब रन ऑफ बनता है कि रन ऑफ ऑफ एक्सेस वाटर इज कॉल्ड फ्लड, उसी को तो हम फ्लड बोलते हैं, सैलाब हम उसी को तो बोलते हैं, ठीक है, कि अगर आपने ये पानी रिमूव नहीं किया इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई, ठीक है, उसका नुकसान क्या होगा, एक तो वो प्लांट की ग्रोथ को तो वो हैम्पर करेगा करेगा, दूसरा काम वो क्या करेगा कि एक्सेस रन ऑफ बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फ्लड बोलते हैं। समझ आ गया ना पूरी बात की, कि अब एक्सेस रन ऑफ क्यों बन रहा है, क्योंकि पानी मज़ीद इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता, ज़मीन के पानी नीचे नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि सारी जगह पानी ऑलरेडी घिरी हुई है, आगे कोई जगह ही नहीं बची हुई, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि पानी जो है वो सरफेस के ऊपर जो है ना वो रन ऑफ ही बनाएगा, ठीक है। रन ऑफ का पता ना क्या होता है, पानी के फ्लो को रन ऑफ होता है, तो जब एक्सेस वाटर का रन ऑफ बनेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम फ्लड ही बोलेंगे। नेक्स्ट, इन एसेंस, अच्छा बड़ा ये आगे वाला पॉइंट आपके कोर्स का नहीं है, ठीक है, इसको जो है ना ये इसको इसकी ज़रूरत नहीं है आपको,
ये दो पॉइंट्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाले इन दोनों को ही देखना है आपने, दिस इज़ नॉट इन योर कोर्स, ठीक है, ये दो हैं पॉइंट्स। आगे फिर उसने कुछ जो है ना वो सर्फ, ये तस्वीरें दिखाई हैं, सरफेस पॉन्डिंग जो है ना दिखाई हुई है कि सरफेस के ऊपर पानी जो है वो खड़ा हुआ है। उसके बाद जो है ना उसने कुछ और जो है ना ये वाटर लॉगिंग दिखाई हुई है, इंसिनरेटी केमिस्ट्री दिखाई हुई है, ये है मोटरवे के पास वाले कुछ एरिया कि वाटर लॉगिंग जो है, तो थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद ज़मीन हुई हुई है, ये मसाइल किसके होते हैं, ये वाटर लॉगिंग और सिलिनिटी के मसाइल हैं, ये मज़ीद बेहतर जो है ना वाटर लैंड वेस्टेज हो रही है, यहाँ पे कोई चीज़ आप नहीं उगा पा रहे, ठीक है ना, तो ये जो लैंड है जिसके ऊपर आप कोई चीज़ उगा नहीं पा रहे हो, उसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन उसकी जो है ना वो उससे नहीं हो सकती। अगर आप ज़मीन बेहतर हो जाए, इसके ऊपर दरख्त लगाओ आप, तो वो इन्वायरमेंट को भी जो है ना वो प्रोटेक्ट करेंगे। ये है आपकी एक ड्रेन बनी हुई है, ठीक है ना, ये ड्रेन बनाई हुई है, ठीक है, जिसका हेयर दिन मेन ड्रेन है, ये अब मुझे पता कि ये कहाँ पे है, लेकिन बहरहाल ये ड्रेन होती है जो कि एक्सेस वाटर को जो है ना वो रिमूव करती है किसी भी एरिया में से, ठीक हो गया। अच्छा, आगे जो है ना वो सोर्स ऑफ ड्रेनेज वाटर है, तो मैं ये नेक्स्ट वाले जो है ना उसमें जो है वो रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है रिकॉर्डिंग, सो स्टे ट्यून्ड।